हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आशीष गौड़ और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। और ये हमारी गाय भूरी। मैं घर आ रखा था और अभी मैं घर नहीं गया, यहाँ हूँ मैं देवतारी में, अपने देवदार इको टूरिज्म एंड रिसर्च सेंटर में। तो भूरी मुझे मिलने आई है यहाँ आ रखी है घास खाने। तो भूरी पे ये पिछु बहुत ज़्यादा हो रखे हैं भूरी पे। जब मैंने देखा तो मैं कैमरा मैन को कहूँगा इस साइड को, तो मैंने दिखा दी, घूम भी जरा उस साइड की दिखाएं। और भूरी बिल्कुल मेरे बिस्तर पे आ रखी है, क्योंकि भूरी को पता है कि मैं इसके हर साल इसके पिछु निकालता हूँ। तो मैंने बेड लगा रखा है बाहर, हर सिपाही भी आ रखा है। और ये देखो, आप ये देखो, ये खुश हो रखी है मुझे देख लीजिए। ये बोलेगी मुझे फिल्ली करो। और अभी ये लड़ेगी दोस्तों, देखो अभी ये लड़ेगी। अभी मैं इसको थोड़ा सा राहत दिलाता हूँ इससे। और आप लोग भी घर में जो है गाय से बुलाए, इधर से काला रो है ना वो, थोड़ा हैंडसम बंदा हो गया, थोड़ा काला आ गया तो नहीं होता, थोड़ा बेच चूनी क्यों बेच चूनी ना सूर्य सामने। तो फिर आ रखा हूँ मैं इसको, थोड़ा राहत दिला देता हूँ बेचारी के पिछले साफ करके। आज तो कुछ सीजन ये होते ही होते हैं। और ये देखो, इसने पूछ उठा रखी है, मतलब कि अलग अलग जानवरों का अलग अलग होता है। जैसे घोड़ा कान दबाता है तो इसका मतलब कि घोड़ा नुकसान दे रहा है, मतलब मारने के इरादे में है, मारने वाला है, अटैक करने वाला है। और अगर गाय और भैंस अगर पूछ जाती है तो उसका मतलब उसे सुख हो रहा है। देखिए पूछ दिखा रही थी, देख कितनी बड़ी उठा रही थी, और देखा नहीं, देख कितने बड़े बड़े हैं ये, देखो कितने बड़े बड़े हैं ये। इनको हम निकाल देते, फेंक देंगे और ये मर भी जाएंगे। फिर ये खून सूख लेते हैं दोस्तों। अब आती इसके नीचे नीचे देखो इधर इधर। और यहाँ तो बहुत कम गाय होती है जो यहाँ टच करने देती है, पहले इसको खुजली करनी पड़ेगी ताकि इसको लगे कि ये आराम से करे। लेकिन ये टच करने दे रही है आज मुझे, क्योंकि तो शायद से अच्छा लग रहा है, इसको पता लग रहा है कि मैं सही से कर रहा हूँ, सही चीज़ें कर रहा हूँ। आज मेरी गाय सो गई आराम से। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी गाय है या कोई जानवर है तो उसकी सेवा जरूर करो। और आजकल वैसे भी गायों पे बेचारों पे एक बीमारी फैल रखी है, लंपी लंपी करके। तो भगवान न करे पहाड़ों में बीमारी आई, और अगर पहाड़ों में आ गई तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी गाय की। इसका मतलब ये बोले मुझे खुजली करो। तो दोस्तों, ये थी मेरी भूरी। और भूरी की मैं बात बता दूँ, भूरी का बच्चा होने वाला है, भूरी प्रेग्नेंट है। तो हमने ककड़ी ऐसे करके फेंकी कि मेल होगा कि फीमेल, तो उस पर फीमेल दिखा रहा है। जब ककड़ी काट के हमने ऐसे किया उसको फेंका, तो उल्टा गिरा, तो उसका मतलब किसकी इसका बेटा होगा, सॉरी मेल होगा इसका। ये देखते हैं बेटा होता है बेटी होती है। तो ठीक है दोस्तों, बाय। मैं थोड़ा भूरी के साथ खेलता हूँ, अभी मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, फिर मैंने साफ कर दिया। अब देखो आप भूरी कैसे आती है। भूरी आ जा, आ जा, आ जा, लंबा करो, और लंबा और लंबा, कंधे पे रख, कंधे पे रख ऐसे। हाँ, तो भूरी नहीं रख दिया कंधे पे, खाना तो उसे खाई दिया, सारा दूसरे नहीं दिया, पेट कम हो गया। ओके दोस्तों, बाय। भूरी को दिखा दिया थोड़ा और नज़दीक से, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। चलो दोस्तों, बाय दोस्तों, टाटा।